दोस्तों वेलकम बैक। मैं प्रदीप शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेई मेन और नीट 2020 एग्ज़ाम को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो नीट और जो जेई एग्ज़ाम मेन 2020 परीक्षा जो पोस्टपोन करने की बात कही जा रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। अब देखते हैं क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि आपका जो जेई एग्ज़ाम है 1 सितंबर को और जो नीट एग्ज़ाम है 13 सितंबर को आयोजित होना है। तो आप सभी अब इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जेई मेन और नीट 2020 लाइव अपडेट, नीट और जेई मेन परीक्षा 2020 परीक्षा स्थगित करने की याचिका जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। अब एनटीए द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक नोटिस के अनुसार जेई 2020 परीक्षा 1 से 6 सितंबर से आयोजित होने वाली है, जबकि नीट एग्ज़ाम आपकी 13 सितंबर को होनी है। और सर्वोच्च न्यायालय ने आज सोमवार 17 अगस्त को नीट और जेई परीक्षाओं को पोस्टपोन करने की याचिका को खारिज कर दिया है। तो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि कोविड-19 के बावजूद जीवन को आगे बढ़ाना है और अदालत राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के निर्णय के साथ हस्तक्षेप करके छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकती है। तो छात्रों के करियर को संकट में नहीं डाला जा सकता है, हमें याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली, याचिका खारिज कर दी गई है। पीठ जिसमें बी.आर. गोई और कृष्ण मुरारी शामिल है। तो गाइस आप देख सकते हो जो आपका एग्ज़ाम है वह अब 1 से 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक इसकी तैयारी शुरू नहीं की है तो इसकी तैयारी शुरू कर दें। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जेई मेन और नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो गाइस अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को। अगर वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो।